इस वीडियो में देखना है कि डिलीशन हीप में कैसा होता है, तो डिलीशन देखना है। तो मैंने यहाँ पर ये मैक्सिमम हीप लिया और मैक्स हीप दिया, तो देखना है कि डिलीट कैसे होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया तो यह बोला कि पहले 15 को डिलीट करो, 15 को डिलीट करो मतलब इस हीप से 15 को डिलीट करो। ओके, तो देखते हैं 15 कहाँ है। 15 है इधर, तो इसको डिलीट करना है। तो नॉर्मली जस्ट इस 15 को छोड़कर बाकी सब लिख देंगे, ठीक है, जस्ट कैजुअली जस्ट। तो 36 इससे लेफ्ट साइड, 32, 29, जस्ट 15 को छोड़कर बाकी सब लिख देंगे और कुछ नहीं, जस्ट डिलीशन है ये। ओके, तो 22 से 15 आता है, तो 15 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 को हम डिलीट कर दिए। ओके, अब बोला कि 17 को डिलीट करो। 17 कहाँ है पहले देखना है, 17 है इधर, तो 17 को डिलीट करना है। तो अगर 17 को डिलीट किए तो इस पोजीशन में 17 को हम डिलीट कर दिए, तो देखना है कि इसका जो चिल्ड्रन है ये कौन सा बड़ा है। इसका दो चिल्ड्रन से 16 बड़ा है, 6, तो 17 को डिलीट करने के बाद 16 वो 17 का पोजीशन ले लेगा। ठीक है, ओके, तो देखते 36 से आता है 32, इधर आता है 29, इधर 20, इधर 28, इस पोजीशन नो चेंज क्योंकि इस पोजीशन में कुछ भी नहीं हुआ। तो इधर आता है 22, मैंने बोला कि 17 को डिलीट करना है, तो 17 को डिलीट करना है, तो 17 को डिलीट कर दिया। 17 को डिलीट करने के बाद इस उस चिल्ड्रन का जो मैक्सिमम है वो 17 के जगह प्लेस हो जाएगा। तो 16 से लेफ्ट साइड आएगा 14, क्योंकि हीप हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ओके, तो डिलीशन ऐसे होता है। अगर नेक्स्ट स्टेप में बोला कि 14 को डिलीट करो, तो 14 को क्या करेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जो 14 को हमको ले नहीं लिखना, तो नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।